अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम एक फ्रॉक स्टिच करेंगे। उसके लिए मेरे पास जो फैब्रिक है वो 2 मीटर फैब्रिक लिया है हमने। ये सर्दियों के स्टफ पे है फैब्रिक जो है। अब हम सबसे पहले तो फ्रॉक की हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए जो हमें लेंथ है, सबसे पहले हमने जस्ट उसकी फ्रॉक की लेंथ लेनी है, जितनी हमें फ्रॉक की लेंथ चाहिए होगी। कपड़े को हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके हमने फ्रॉक की जितनी भी लेंथ है उतनी लेंथ ले लेनी है। हमें यहाँ पे जो फ्रॉक रेडी चाहिए वो 32 फ्रॉक की लेंथ जो है वो रेडी चाहिए। तो हमने जो 2 इंच है वो एक्स्ट्रा लेनी है, ताकि हमें सिलाई के लिए हमने मार्जिन रखना है 2 इंच का। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है और अब इसको डबल फोल्ड करके हमारे पास बैक और फ्रंट पार्ट आ जाएगा फ्रॉक का। ये हमने डबल फोल्ड करके इसको यहाँ पर बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर दिया। यहाँ पे यहाँ से हमने इसको कट कर देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब जो हमने यहाँ से हमने कट करके जो हमें बाकी जो हमारे पास लेंथ है उनमें से हमने ये जो 4 पार्ट्स दिए हैं उनको हमने सेंटर में से कट कर लेना, यानी कि इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, बैक और फ्रंट पार्ट में डिवाइड कर लेना। यहाँ सेंटर में से हम कट कर लेंगे। अभी हमने ये कट करने के बाद हमने यहाँ पे ना आर्म होल की कटिंग करनी है, ना शोल्डर्स की कटिंग करनी है, हमने जस्ट यहाँ पे नेक की कटिंग करनी है। सेंटर में हमने नेक की कटिंग करनी है। ये हमने 3 इंच जो है वो इसकी विथ ली है और 3 इंच ही डाउन नेक लिया है। यहाँ पे निशान लगा के आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। बॉक्स में हमने बना लेना, 3 इंच का बॉक्स बना के यहाँ पे हमने राउंड नेक कटिंग कर लेना। ये हमने राउंड नेक कटिंग कर लिया। सबसे पहले जो है वो हम इसका नेक रेडी करेंगे। ये हमने नेक रेडी कर ली। अब हमने इसकी जो है वो शोल्डर, हमने कितने इंच हमें शोल्डर चाहिए होगा उसकी हमने कटिंग करनी है, उसके निशान लगाने हैं। तकरीबन हमें रेडी जो शोल्डर है वो 3 इंच चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो है वो बॉक्स प्लेट डालनी है। बॉक्स प्लेट तकरीबन हमने 2 इंच की बॉक्स प्लेट डालनी है। वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। जितना हमें शोल्डर चाहिए होगा उसके सेंटर से हमने निशान लगाना है और एक्स्ट्रा 2 इंच का हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। ये आप देख रहे हैं वीडियो में। यहाँ से हमने पेंसिल की मदद से निशान लगा लेना है, ताकि हमें जो है वो आसानी हो सके। ये निशान लग गया। अब हम यहाँ पे कैंची की मदद से इसे फोल्ड करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और जो लंबाई होगी इस प्लेट की, जो लंबाई है वो तकरीबन जो है मैंने 13 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। बैक साइड पे भी हम निशान लगा लेंगे, ताकि जो है वो प्लेट जो है वो सीधी जो है बन जाए। यहाँ पे 13 पे हमने निशान लगा लिया और शोल्डर का। अब सबसे पहले हमने बॉक्स प्लेट डाल ली है, उसके बाद जो है हमने फ्रॉक कटिंग कर ली। ये देखिए, ये हमने प्लेट्स डाली है। अब हमने इन प्लेट्स को फर्स्ट पार्ट को डबल फोल्ड करना है और बैक पार्ट को नीचे रख के ऊपर से कटिंग कर देनी है। दोनों को इकट्ठा रख के हमने यहाँ से हम इनकी कटिंग कर देनी है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसे डबल फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले फ्रंट पार्ट को। शोल्डर का रखा है और आर्म होल जो है वो मैंने 6 इंच का रखा है और जो कमर
माय गॉड, आप वेस्ट की अपनी फरमाइश रखनी है वो 7 इंच रखनी है, मैंने यहाँ 7.5 इंच रखी है और 1/2 इंच जो है वो मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है। अब यहाँ से हम ये जो है बिल्कुल सीधा नीचे ले जाएंगे इसको, निशान को, और इसके बिल्कुल साथ साथ कटिंग करते जाएंगे। फ्रंट पार्ट की जो शोल्डर की कटिंग है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा करेंगे। हमारे पास जो लेंस है उसको हम लेजर ऑपरेटिव प्लेट्स डालिए उनके ऊपर रखिए स्लाइड। ये देखिए हमने यहाँ पे लेंस अटैच कर ली है, नेक के ऊपर भी लेस लगा दिया और ये ग्रीन कलर के 2 बटन्स लगा दिए, इस बॉक्स प्लेट पे भी लगा दिया और यहाँ पे मैंने शॉकिंग कलर का बटन लगा दिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, नेक मैंने बना लिया और हमने तीरा भी लगा लिया। अब हम इसकी बाजू अटैच करेंगे। यहाँ पे बाजू के ऊपर जो है वो जोड़ आ रहा था तो मैंने यहाँ पे सेंटर में, क्योंकि फैब्रिक हमारे पास कम था और जोड़ लगा के हमने इसकी बाजू बनाई है, लेंस जो है मैंने इस तरह से अटैच कर दिया। ये देखो ये इसकी स्लीव्स भी रेडी हो गई है। अब हमने स्लीव्स को ज्वाइन करना है और ये यहाँ से सिलाई लगानी है और नीचे से हमने जो है इसके घेरे पे हम लेस नहीं लगाएंगे, अगर हम लेस लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। यहाँ पर हमने जस्ट सादा सिलाई लगानी है मशीन के साथ। ये देखिए ये हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक है, बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रॉक। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।